हेलो एवरीवन, योर वीनू मैम दिस साइड। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट बजट के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ माय डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बजट क्या होता है। इन जनरल लाइफ आप बजट किसको बोलते हो? बजट आपको ये बताता है कि आपकी इनकम क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम, आप पैसा लाओगे कहाँ से, और आपको बताता है कि आपके एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। बजट आपको क्या बताता है कि आपकी इनकम क्या है, आपके पास पैसे आएंगे कहाँ से, और उन पैसों को आप किस तरीके से यूज करोगे। से फॉर एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, आप पैसे कहाँ से लेकर आओगे? आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देंगे, या फिर आपको बर्थडे पर गिफ्ट मिलेगा, या फिर आप कोई गेस्ट वगैरह आपको घर पे कुछ मनी देकर जाएंगे। दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम एज अ स्टूडेंट। आप उनको एक्सपेंडिचर दैट इज आप उनको खर्च किस तरीके से करोगे? आप पार्टी करोगे, आप शॉपिंग करोगे, या फिर आप कहीं घूमने के लिए निकल जाओगे, हॉलीडेज एंड ऑल दैट। दीज आर योर इनकम एंड दीज आर योर सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंडिचर खर्चा करोगे। जिस तरीके से एक नॉर्मल पीपल, एक नॉर्मल हाउस होल्ड अपना बजट सेट करता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट अपना बजट सेट करती है ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर गवर्नमेंट देखती है कि उसके पास इनकम आएगी कहाँ से और वो उस इनकम को यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो गवर्नमेंट बजट इज नथिंग बट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट and the expenditure during the fiscal year. Estimated receipt मतलब government के पास पैसा आएगा कहाँ से? वो budget बनाती है कि government पैसा लाएगी कहाँ से। Plus government ये भी देखती है कि जो पैसा उसके पास आया है उस पैसे को खर्च किस तरीके से करेगी। जैसे आप लोग पैसा लेकर आ रहे थे parents से और खर्च कर रहे थे shopping के ऊपर, parties के ऊपर, सिमिलरली गवर्नमेंट भी एक एस्टिमेटेड प्लान बनाती है। एस्टिमेटेड मतलब ये प्लान होता है, एक्चुअल नहीं होता। आप सिर्फ एस्टिमेट करते हो, अनुमान लगाते हो कि सो एंड सो जगह से मुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे टैक्सेस से पैसा मिल जाएगा, मुझे डोनेशन मिल जाएगी, और उस पैसे को हम यूज़ कैसे करेंगे? हम लोग पुअर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, हम लोग ग्रांट देंगे, हम लोग कोविड 19 की वैक्सीन के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट भी बजट बनाती है जिसके अंदर वो देखती है कि व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ पर वो इनकम मिलेगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से उसे पैसा मिलेगा। प्लस वो ये देखती है कि उन पैसों को एफिशिएंटली यूज़ किस तरीके से करो। पैसा आना ही काफ़ी नहीं होता, पैसे को किस तरीके से हम लोग एफिशिएंटली क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ये देखा जाता है किसके अंदर? आपके गवर्नमेंट बजट के। हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है, हर साल गवर्नमेंट बजट बनाती है फॉर द फिस्कल ईयर। आपके पास दो तरीके के ईयर होते हैं, एक तो जैन टू दिसंबर योर कैलेंडर ईयर, एंड दूसरा होता है आपके पास फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर इन द सेंस आप लोगों का अप्रैल टू मार्च जो आपका ईयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर। आपकी गवर्नमेंट हमेशा फिस्कल ईयर अप्रैल टू मार्च का बजट बनाती है जिसमें वो बताती है कि उसकी रिसिप्ट मतलब इनकम उसके पास आएगी कहाँ से और एक्सपेंडिचर आई हुई इनकम को किस तरीके से आप यूज करोगे। गवर्नमेंट बजट बनाने के लिए गवर्नमेंट के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट बजट के अंडर आपके पास आती हैं। तो दो चीज़ें आपके पास होती है गवर्नमेंट बजट के अंदर। फर्स्ट इज माय बजट रिसिप्ट एंड सेकंड इज माय बजट एक्सपेंडिचर। देयर आर टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज माय बजट रिसिप्ट एंड सेकंड इज माय बजट एक्सपेंडिचर। सी मतलब बजट रिसिप्ट आपको ये बताता है द सोर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहाँ से इन द फिस्कल ईयर। जो फिस्कल ईयर है वहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा कहाँ से, वो आपको कौन बताता है? आपका बजट रिसिप्ट प्लस बजट एक्सपेंडिचर
मतलब जो पैसा आया है उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर करेगी, देन उस पैसे को कहाँ कहाँ पर यूज करेगी। तो ब्रॉड कैटेगरी यू हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ योर बजट, दैट इज योर बजट रिसीट एंड योर बजट एक्सपेंडिचर। हम बजट रिसिट को फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट इज माय रेवेन्यू रिसिट एंड सेकेंड इज माय कैपिटल रिसिट। बजट रिसिप्ट फर्दर डिवाइडेड होती है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, एंड सेम आपका बजट एक्सपेंडिचर डिवाइड होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बजट रिसिप्ट, मतलब गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहाँ। गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। फर्स्ट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट है जिस वजह से विच नीदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर रिड्यूस असेट्स। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन ऐसा पैसा जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस हो रही है। ऐसे रिसिप्ट को हम लोग कौन से रिसिप्ट बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट जिसके अंदर ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है ना गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस होती है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं। अब ऐसी कौन से रिसिप्ट होती है? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट डिवाइड होती है आप लोगों के पास टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट फर्दर डिवाइड होती है दो कैटेगरी के अंदर, एक आपका टैक्स रेवेन्यू एंड सेकेंड इज माई नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की वो इनकम जो जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? टैक्सेस। वो पैसा जो गवर्नमेंट को मिल रहा है किस फॉर्म के अंदर? टैक्स की फॉर्म के अंदर। उस रिसिप्ट को हम लोग कौन से रिसिप्ट रेवेन्यू बोलते हैं? दैट इज माय टैक्स रेवेन्यू। ये टैक्स रेवेन्यू फर्दर डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज माय डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज माय इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू वो पैसा गवर्नमेंट का जो टैक्सेस से कमाते हैं। गवर्नमेंट दो तरीके के टैक्सेस आप लोगों के ऊपर लगाती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहाँ जिस बंदे के ऊपर आपने टैक्स लगाया है गवर्नमेंट को भी डायरेक्टली वही पे करेगा। जिस बंदे के ऊपर आपने टैक्स लगाया है गवर्नमेंट को भी वही बंदा पे करेगा, जहां पर पेयर पे करने वाला एंड बर्डन को बियर करने वाला। जहां टैक्स को पे करने वाला और टैक्स के बर्डन को बियर करने वाला दोनों सेम पर्सन होता है, एक ही बंदा होता है, उसको हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स। एग्जाम्पल योर इनकम टैक्स। एग्जाम्पल वेल्थ टैक्स। एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। अगर गवर्नमेंट मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा रही है, अगर गवर्नमेंट मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा रही है तो गवर्नमेंट को पे ही मैं ही करूंगी। कौन सा टैक्स कहलाएगा? वो इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ने मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया और गवर्नमेंट को मैं ही पे कर रही हूँ, ऐसे टैक्स को हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं? गवर्नमेंट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास वो टैक्स होता है जहाँ पर पेयर गवर्नमेंट को पे करने वाला एंड बियरर बर्डन को बियर करने वाला दो अलग अलग पर्सन होते हैं। गवर्नमेंट को पे कोई और करता है, टैक्स के बर्डन को बियर कोई और करता है, ऐसे टैक्स को हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ऐसे टैक्स को हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है,
वहां पर आपने खाना खाया है वो उसका जो बिल आया है इट 500 रुपीज। खाना जो आपने खाया उसके ऊपर बिल कितना आया आपके पास 500 रुपीज। एंड बिलिंग के अंदर आपके पास जीएसटी उसका एड ऑन होके आया है से फॉर एग्जाम्पल 50। टोटल बिल जो आपके पास बना है एक आपने खाना खाया 500 और जितना जीएसटी लगाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस वो कितना है 50। टोटल बिल जो आपके पास आया है वो कितना आया है 550। आपने खाना 500 का खाया था लेकिन आप जो बिल पेमेंट कर कर आए हो वो 550 को करके आए। ये आप कस्टमर पेमेंट करता हो 550। अब इस 550 जाती है सेलर के पास। सेलर 550 से 500 तो अपनी पॉकेट के अंदर रखते हैं, जो फूड उसने आपको सर्व किया, जो सर्विसेज उसने आपको दी, प्लस जो 50 रुपीज़ है कि वो पेमेंट कर देता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है सेलर्स के ऊपर, गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है सेलर्स और गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है प्रोडक्ट के ऊपर। आपका एमआरपी बना है 550, जैसे 500 तो गया सेलर की पॉकेट में और 50 रुपीज उसने पेमेंट कर दी किसको? गवर्नमेंट को। पे गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? सेलर। गवर्नमेंट के पास सेलर कर रहा है लेकिन एक्चुअल वो पॉकेट की गया है कस्टमर। एक्चुअली पॉकेट के किसके गया है? पे 50 रुपीज़, 550 पे किसने? कस्टमर। बर्डन किसको था? बियर किसने किया? कस्टमर ने। लेकिन गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? सेलर। जहां पर बर्डन को बियर करने वाला अलग पर्सन होता है, गवर्नमेंट को पे करने वाला अलग पर्सन होता है। ऐसे टैक्सेस हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आपने क्या है ये 50 रुपी जीएसटी वो आप ही दे रहे हो लेकिन डायरेक्टली ना देकर आप किस सेलर को। जब गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट वे के अंदर टैक्स आपकी जेब से निकल जाता है ऐसे टैक्स को हम लोग क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस। जहाँ पर आपके पेयर और बियरर दोनों अलग अलग फंसे, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे पहले हमारे पास होता था वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्सेस होते थे एक्सेट्रा। उन टैक्सेस की जगह आपके पास कौन सा टैक्स अभी भी है? दैट इज जी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो आपके पास टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप जब पेमेंट करते हो तो गवर्नमेंट की पॉकेट के अंदर जाता है वो। जब आप पेमेंट करते हो तो गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है। गवर्नमेंट की क्या बन जाती है? रिसिप्ट बन जाती है। गवर्नमेंट की क्या बन जाती है? रिसिप्ट। बट मैम ये रेवेन्यू क्यों बनती है? Why? Tax revenue, direct tax, either direct tax or your indirect tax. Why? These are considered as revenue tax क्यों बनती है? Because these tax revenue neither increase liability nor reduce assets of the government. Mind it, आप लोगों को ये पूरा chapter government के point of view से पढ़ना है। तो हम government के point of view से बात कर रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट, वो रिसिप्ट जो कि ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज करती है ना गवर्नमेंट असेट को रिड्यूस करती है। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, आप अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो तो ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी, गवर्नमेंट को वो पैसा आपको वापस नहीं करना, एक महीने बाद, दो महीने बाद, दस लाइफ टाइम कभी पैसा वापस नहीं करेगी गवर्नमेंट। और जब आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो गवर्नमेंट की असेट्स भी कम नहीं हो, गवर्नमेंट की साइड से कुछ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को मिल रहा है, जिस वजह से उसकी है ना तो उसकी लायबिलिटी ना गवर्नमेंट की असेट कम हो। तो आपकी टैक्स रेवेन्यू कौन से रिसिप्ट कहलाती है? योर टैक्स रेवेन्यू एज व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है ना तो लायबिलिटी है ना असेट रिड्यूस। This is the concept of tax revenue under the head of revenue receipt. अब आपके पास दूसरा आता है, that is my non-tax revenue.
आपके पास सेकंड है दैट इज माय नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट, ऐसी रिसिप्ट जो कि उसको कैसे मिल रही है, अदर देन टैक्सेस। गवर्नमेंट जो पैसा अर्न कर रही है टैक्सेस के अलावा, एक टैक्स हमने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस के अलावा जो गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट की पेमेंट है। कैसे? गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, अब उस लोन के ऊपर वो सामने वाली पार्टी इंटरेस्ट पे कर रही है, गवर्नमेंट को मिल रहा है, मिल रहा है तो क्या हो गई, कौन सी रेवेन्यू, नॉन टैक्स। तो इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट ने डिबेंचर्स खरीदे थे, बॉन्ड्स खरीदे थे, वहां से गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इंटरेस्ट कंसिडर्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, गवर्नमेंट की कोई कंपनी, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, वो एंटरप्राइज गवर्नमेंट की प्रॉफिट कमा रही है, गवर्नमेंट ने कहीं पे पैसा लगाया था, वहां से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, मिल रहा है तो क्या हुआ, से फॉर एग्जाम्पल डिविडेंट, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी शेयर्स खरीदे थे, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, अब उस शेयर के ऊपर गवर्नमेंट बदले में क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, मिल रहा है जिससे पैसा आ रहा है, तो क्या हुआ आपके पास। और एग्जांपल देखते हैं, से फॉर एग्जांपल फीस एंड फाइन, से फॉर एग्जांपल फीस एंड फाइन, आप फीस रजिस्ट्रेशन फीस भरते हो, आप लोग आप गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हो तो वहां पर गवर्नमेंट को क्या पेमेंट, फीस, गवर्नमेंट आपसे फीस चार्ज करती है, लाइसेंस बनवाते हो तो गवर्नमेंट आपसे फीस चार्ज करती है, तो गवर्नमेंट की जेब में पैसा आ रहा है, वो क्या हुआ, रेवेन्यू। फाइन, चलान, पेनल्टी, जो गवर्नमेंट आप लोगों के ऊपर लगाती है, आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, आपके पास हेलमेट नहीं है तो आप चलान भरते हो, गवर्नमेंट की जेब में पैसा जा रहा है, व्हाट, गवर्नमेंट की क्या है, वो रेवेन्यू है। आपके पास इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस एंड फाइन, कैसी रेवेन्यू गवर्नमेंट की, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैसी रेवेन्यू हो गई गवर्नमेंट की, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर हम आगे बात करें गवर्नमेंट की रेवेन्यू के अंदर एक और वर्ड यूज है, दैट इज एस्चीट। एस्चीट का मतलब होता है आप लोगों के पास जो प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़े इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फाइन, वो आप नाम से समझ सकते हो, लेकिन एस चीट के अंदर क्या होता है, एस चीट के अंदर से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है डेथ हो गई, या कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लो, कोई जमीन ले लो, कोई घर ले लो, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लो, कोई प्रॉपर्टी है आपको वो क्लेम करने के लिए ऑनर नहीं है, बंजर पड़ी हुई है जमीन, सालों सालों से कोई जमीन है जो कि बंजर पड़ी हुई है, कोई क्लेम करने के लिए नहीं आता, या किसी पर्सन की डेथ हो गई है, उस पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है और उनको क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं, कोई उनका रिलेटिव नहीं है, कोई उनका फ्रेंड नहीं है, एक्स वाई जेड किसी भी रीजन, गवर्नमेंट बहुत सारे नोटिस निकालती है, पहले तो 6 महीने तक गवर्नमेंट नोटिस निकालती है, या सो एंड प्रॉपर्टी ऑनर है, या इस बंदे की डेथ हुई है, इसका कोई रिलेटिव है, एक्सेट्रा, वेट करती है, नोटिस निकालती है, एक्सेट्रा। बट अगर कोई क्लेम करने के लिए आगे नहीं आता, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्लेम करने के लिए आगे नहीं आ रहा, तो प्रॉपर्टी चली जाती है किसके हाथ में, गवर्नमेंट के। प्रॉपर्टी से जो भी पैसा मिलता है वो पैसा आपके पास क्या होता है, आई रिपीट, किसी भी पर्सन की डेथ हुई है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्लेम करने वाला नहीं है, ना उसका फ्रेंड, ना उसका रिलेटिव, रिश्तेदार, कोई भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी खाली बंजर पड़ी हुई है, कोई उसका ऑनर गवर्नमेंट के सामने नहीं आया, नोटिस दिया जाता है न्यूज़पेपर पर, एडवर्टाइजमेंट, अगर पर्टिकुलर लिमिट टाइम, टाइम लिमिट तक वो क्लेम करने का वाला कोई नहीं, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है अंडर चली जाती है गवर्नमेंट के। आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर या सीरियल के अंदर सुना होगा कि ट्रस्ट के हाथ चली गई, ट्रस्ट के हाथ चलने के क्या हुआ, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी से
जो गवर्नमेंट को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू तो बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट, ऑल्सो योर गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक ऐसी रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट की किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आस पास की प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज हो गए, अगर आपके घर के आसपास गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, एग्जाम्पल मेट्रो, एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर बन रहा है, से फॉर एग्जाम्पल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है, तब क्या है करने की वजह से, गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से, गवर्नमेंट के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अगर आपके प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज हो, आप अपने इस प्रॉपर्टी में से गवर्नमेंट को पे, आई रिपीट स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट के किसी भी स्पेशल स्टेप उठाने की वजह से, स्पेशल स्टेप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज होते, इंक्रीज रेट का आपको गवर्नमेंट को क्या करना, इसलिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो मेट्रो सिटी के आसपास की प्रॉपर्टी और कहीं अंदर जाके प्रॉपर्टी कोई हो तो उनके रेट में डिफरेंस होते हैं। मेट्रो के आसपास की जो प्रॉपर्टी होती है, घर होते हैं, रेट थोड़े से क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी के रेट, आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं स्पेशल। लास्ट हम लोग दैट इज ग्रांट डोनेशन, अगर आपकी गवर्नमेंट को ग्रांट मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, मिल रहा है तो मतलब रिसिप्ट हो गई, मिल रहा है तो क्या हो गया, रिसिप्ट हो गई। ग्रांट डोनेशन की फ्लड आई है इंडिया के अंदर, किसी कंट्री ने डोनेशन किया है, तो वो रिसिप्ट गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट कहलाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ग्रांट हो गई, ऑल दिस कम अंडर बट नॉन टैक्स। अब व्हाई दीज टैक्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड एज रेवेन्यू, हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, फाइन, एसजी, स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन एक्सेट्रा। अब ये रेवेन्यू रिसीव क्यों हुई, कि इट नीदर क्रिएट योर लायबिलिटी नॉर रिड्यूस योर असेट्स, इसकी वजह से ना तो आपकी लायबिलिटी, आपकी मतलब गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज रही है, ना गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस। एग्जाम्पल अगर मैं चलान भरती हूँ, मेरा चलान कटा है, गवर्नमेंट की जेब में पैसा जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़ी, ना गवर्नमेंट की असेट कम हुई, गवर्नमेंट को वो पैसा मुझे वापस नहीं करना, गवर्नमेंट की कोई असेट भी कम नहीं हुई, तो चलान में भर रही हूँ, जो फाइन में भर रही हूँ, वो गवर्नमेंट की कौन से रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड, गवर्नमेंट को कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, मिल रहा है तो रिसिप्ट कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पैसा, ना गवर्नमेंट की असेट कम हो रही है। से फॉर एग्जाम्पल डोनेशन, गवर्नमेंट को कोई डोनेशन दे रहा है तो रिसिप्ट, लेकिन ना ही तो उसकी लायबिलिटी बढ़ी, ना उसकी असेट क्या हुई है, कम हुई। ऐसे रिसिप्ट वजह से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, ना गवर्नमेंट की असेट कम होती है, ऐसे रिसिप्ट को हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं, कौन सी। तो आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट neither create liability nor reduce assets, जिससे ना तो आपकी liability बढ़ती है, ना assets कम होती है। ये दो broad category के अंदर divided थी आपके पास, एक tax revenue, ऐसी income जो government को taxes से मिलती है, और एक non-tax revenue, ऐसी income जो government को tax के अलावा मिलती है। further divided इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है वही बंदा पे करता है,
को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स से फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, जहाँ लगाया किसी और पे जाता है, उसकी पेमेंट कोई और बंदा कर रहा होता है। यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन होते हैं, टैक्स को हम लोग तो क्या बोलते हैं, आपका इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू से फॉर एग्जाम्पल योर इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस एंड फाइन, स्पेशल असेसमेंट, एस्चीट, ग्रांट, डोनेशन एक्सेट्रा। तो एक छोटा सा रिकैप कि आप लोगों की रेवेन्यू रिसिप्ट, वो रिसिप्ट नीदर इंक्रीज योर लायबिलिटी। गवर्नमेंट के पास सारा पैसा आता तो है, लेकिन पैसे के आने की वजह से, इनकम के आने की वजह से, ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, ना गवर्नमेंट की एसेट कम होती है। रिसिप्ट को हम लोग कौन से रिसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये तो हुई बात रेवेन्यू रिसिप्ट, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट, दैट इज माय कैपिटल। बजट रिसिप्ट पैसा आना, बजट रिसिप्ट मतलब इनकम के, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से। फर्स्ट हमने अभी देखा रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकेंड हमारे पास है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन से रिसिप्ट, हाँ इधर गेट्स लायबिलिटी, और ड्यूज असेट्स। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे की वजह से या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है या गवर्नमेंट की असेट कम हो रही है, वो रिसिप्ट आपके पास कौन से रिसिप्ट कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। वो रिसिप्ट गवर्नमेंट की कौन सी कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इज माय बोरिंग। फर्स्ट काइंड ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इज बोरिंग। गवर्नमेंट किसी से पैसा बोरो करती है, कोई भी हो सकता है, आईएमएफ हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कंट्री हो सकती है। गवर्नमेंट किसी से पैसा बोरो कर रही है, जब गवर्नमेंट बोरो कर रही है उसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, बट बोरो करने की वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिसिप्ट गवर्नमेंट की कौन सी रिसिप्ट कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इधर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट, बोरो करने की वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कौन सी हो गई आपके पास, कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, से फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट ने को लोन दिया था, जब लोन दिया होगा तब ये पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जब लोन दिया था तो पर्सन गवर्नमेंट का डेटर बन गया था। पर्सन गवर्नमेंट का क्या बन गया था, डेटर। गवर्नमेंट के डेटर्स क्या हो गए थे, मतलब गवर्नमेंट की असेट्स क्या हो गई थी, बढ़ गई, डेटर बढ़ गया, असेट बढ़ गई। ठीक है, अब ये पर्सन गवर्नमेंट को पैसा रिपे कर रहा है, कवरी लिखा हुआ है, रिपे कर रहा है मतलब ये पैसा वापस दे रहा है, वापस दे रहा है का मतलब गवर्नमेंट पैसा वापस रहा है, तो क्या हुआ, रिसिप्ट। मिल रहा है पैसा, आ रहा है, तो क्या हुआ, रिसिप्ट। अब इस रिसिप्ट, इस पैसे की आने की, अब जब इस बंदे ने पैसे लौटा दिए, क्या आपका डेटर नहीं रहा, अब जब डेटर नहीं रहा इसका मतलब आपकी असेट नहीं रही, तो असेट आपके पास क्या हो गई, असेट्स आपके पास क्या हो गई, आपके पास पैसा आ रहा है वजह से असेट रिड्यूस हो गई। कौन से रिसिप्ट आपके पास, कैपिटल रिसिप्ट। कौन से रिसिप्ट आपके पास, कैपिटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट ने को लोन दिया था,
जब ये लोन दिया था तो ये पर्सन आपका डेटर बन गया था। अब जब डेटर बना मतलब असेट इंक्रीज हो गई। अब ये पर्सन आपको लोन वापस कर रहा है, पैसे वापस दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे वापस आ रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट को पैसे वापस कर तो ये आपका डेटर नहीं रहेगा, मतलब आपकी असेट नहीं रहेगी। असेट नहीं रहेगी क्या हुआ, असेट आपके पास डिक्रीज, व्हेन योर असेट डिक्रीजेस तो वो रिसिप्ट आपके पास कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट। लास्ट देखते हैं, लास्ट आपके पास होता है डिसइन्वेस्टमेंट। लास्ट आपके पास क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब आपका पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर कौन सा, जो आपके गवर्नमेंट के अंडर आता है, जब आपका पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स, अपनी ऑनरशिप सेल करता है, बेचता है किसको, प्राइवेट सेक्टर। जब आपका गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स सेल करता है प्राइवेट सेक्टर, बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पब्लिक सेक्टर के पास पैसा आ रहा है तो मतलब रिसिप्ट, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है तो मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट हो गई। बट वजह से आपके शेयर्स आपने सेल किए, बेच दिए, बस एक से आपकी क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, असेट्स आपने बेच दी, मतलब असेट क्या हो गई आपके पास, डिक्रीज हो गई। आपके पास पैसा आ तो रहा है, जैसे असेट आपकी क्या हो गई, ये रिसिप्ट आपके पास कौन से, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या आपकी असेट रिड्यूस होगी, दोनों में से कोई एक चीज होगा, या लायबिलिटी बढ़ेगी या असेट रिड्यूस। कैपिटल रिसिप्ट तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक है बोरोइंग, है रिकवरी ऑफ लोन, और एक आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग पैसा आ रहा है लेकिन लायबिलिटी, रिकवरी ऑफ लोन आपके पास पैसा आया लेकिन आपके डेटर्स डिक्रीज हो गए, मतलब असेट डिक्रीज। डिसइन्वेस्टमेंट आपने अपने शेयर्स, अपनी ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, शेयर्स एक तरीके से असेट्स होते हैं, असेट आपकी क्या हो गई, तो एक ऐसा अमाउंट आना, पैसा आना गवर्नमेंट की वजह से आपकी या लायबिलिटी बढ़ती है या असेट कम होती है, क्या बोलते हैं, कैपिटल। गवर्नमेंट की दो ब्रॉड कैटेगरी जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, एक आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट, नीदर इंक्रीज योर लायबिलिटी नॉर रिड्यूस योर असेट, और या फिर आपका कैपिटल रिसिप्ट, ईदर इंक्रीज योर लायबिलिटी और रिड्यूस योर असेट। ये दो तरीके की रिसिप्ट होती है हमारी गवर्नमेंट। ये तो रही बात रिसिप्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट अपने पैसे को खर्च किस तरीके से करेगी। तो अगली वीडियो के अंदर, पार्ट टू के अंदर, हम किस बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट के बारे में। थैंक यू एवरीवन।